रोजगार और शानदार लाइफस्टाइल के लिए लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 से अब तक लगभग 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है, जिसमें ज्यादातर लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है, क्योंकि अमेरिका में रहने का सपना सभी लोगों को अमेरिका की तरफ खींचता है। इस कारण तो दुनिया भर के देशों के लोग ज्यादातर अमेरिका की तरफ ही आकर्षित होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज मौजूदा समय में खुद अमेरिकी लोग ही अमेरिका छोड़कर यूरोप की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आई वॉशिंगटन की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या में सीधा 45% तक का इजाफा हो गया है। वैसे अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और विकसित देश होने के बावजूद भी यहाँ के लोग अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। अमेरिका को छोड़कर लोग यूरोप के स्पेन, इटली, ग्रीस, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर बसने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका जैसे ताकतवर और विकसित देश को छोड़कर अमेरिकी लोग यूरोप में शरण ले रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अमेरिका छोड़कर सभी लोग यूरोप क्यों जा रहे हैं, यूरोप में ऐसा क्या है जिस कारण अमेरिकी लोग उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, और अमेरिकन लोग अपने देश को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, वह सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र वाला देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी है। इस कारण दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित देशों में अमेरिका का भी नाम आता है। लेकिन फिर भी अमेरिकी लोग अपना देश छोड़कर यूरोप में पलायन क्यों कर रहे हैं? तो इसके बहुत से कारण हैं। हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहला कारण है अमेरिका में तेजी से बढ़ता गन कल्चर। तो अमेरिका का गन कल्चर अमेरिकी लोगों के अमेरिका छोड़ने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका में गन कल्चर का मतलब ये है कि अमेरिका के लोग अपने शौक के लिए अपने पास बंदूकें रखते हैं। साल 1791 में अमेरिका के संविधान के दूसरे संशोधन के अनुसार लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रख सकते हैं, जिस कारण अमेरिका में बंदूक लेना दुकान से चॉकलेट लेने के समान है। और ऊपर से अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्माण और दुनिया के देशों को इसकी सप्लाई भी करता है। इस वजह से अमेरिका में हथियार रखना एक आम बात बन गई है, क्योंकि आसानी से बंदूक मिल जाने के कारण अमेरिका में गोलीबारी की घटना एक सामान्य सी बात हो गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका में गन कल्चर के कारण पिछले 50 सालों में 15 लाख से ज्यादा लोग मात्र गोलीबारी की घटना के कारण मारे गए। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में अमेरिका में 45,000 से ज्यादा लोग मात्र बंदूक से मारे गए, और इन हत्याओं में बंदूकों के द्वारा की गई आत्महत्याएं भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका में बीते 5 सालों में 49% हथियारों से संबंधित घटनाएं बढ़ चुकी है। इस कारण अमेरिका के ज्यादातर लोगों को उनका यह गन कल्चर अब पसंद नहीं आ रहा है। तो अमेरिका के इसी गन कल्चर की वजह से वहां के युवा अपने परिवार को अमेरिका में असुरक्षित देखते हैं। वहीं अमेरिका की तुलना में ऑस्ट्रेलिया में गन कल्चर के कारण होने वाले हिंसा मात्र 13% ही है, वहीं ब्रिटेन में यह दर मात्र 4% ही है, और पूरे यूरोप में मात्र 8% ही है। तो यूरोप में गन कल्चर के इन्हीं आंकड़ों की वजह से यानी यूरोप में सुरक्षित माहौल ज्यादा है, जिस कारण अमेरिकी लोग यूरोप की शरण ले रहे हैं। और आज मौजूदा समय में अमेरिका का यह गन कल्चर अब अमेरिकी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। तो इसी गन कल्चर की वजह से ज्यादातर लोग अमेरिका को छोड़कर यूरोप की तरफ जा रहे हैं और अपना व्यापार भी वहीं पर कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए आर्थिक तौर पर भी नुकसानदायक है। उसके बाद अमेरिका छोड़ने का दूसरा कारण है अमेरिका में बढ़ते बेलगाम अपराध। तो अमेरिका में गन कल्चर के कारण हिंसा होना तो आम बात है, लेकिन अमेरिका में इसके साथ अपराध भी बेलगाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में अपराध की दर विकासशील और पिछड़े देशों से भी ज्यादा है। BCC की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में अमेरिका में अपराध 79% की दर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में लोगों का शॉपिंग मॉल लूटना या घर जाकर डाका डालना अब एक आम बात हो गई है। वहीं अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक अमेरिका में बढ़ते अपराधों के कारण 2020 में मानव हत्या के 21,500 मामले दर्ज हुए हैं, यानी अब अमेरिकी लोगों को दहशत में रहना अब सुहाता नहीं है। वहीं यूरोप में अपराध दर मात्र 6% है, जो अमेरिका की तुलना में कई गुना कम है। इस कारण यूरोप में लोगों को अमेरिका की तुलना में अधिक सुरक्षित माहौल मिलता है,
जिस कारण भी लोग अमेरिका को छोड़कर यूरोप की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा कारण है अमेरिका का महंगा इलाज। अमेरिका एक विकसित देश होने के कारण अमेरिका की चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा तकनीक भी विश्व स्तर की है। दुनिया भर में सभी बड़े से बड़े लोग अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका के अस्पतालों में आते हैं, क्योंकि अमेरिका की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद ही उन्नत है। लेकिन यह सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। अमेरिका में इलाज करना बहुत ही महंगा पड़ता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी अस्पतालों में इलाज करना इतना महंगा है कि सामान्य लोग हॉस्पिटलों में अपना चेकअप तक नहीं करवा सकते हैं। इस कारण अमेरिका में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधिकतर लोग बीमा करवाना पसंद करते हैं। लेकिन बीमा करवाने के बाद भी 60% से ज्यादा अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य के लिया गया कर्ज उनके दिवालियापन का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब अमेरिका की महंगी चिकित्सा सुविधाओं की तुलना में यूरोप की चिकित्सा सुविधाएं काफी सस्ती पड़ती है, और वहीं यूरोप की सरकारें अपने नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा व अन्य स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं भी उपलब्ध करवाती है। यानी बढ़ते स्वास्थ्य खर्च के कारण भी अमेरिकी लोग यूरोप की शरण ले रहे हैं। इसके बाद अगला कारण यूरोप की कल्याणकारी योजनाएं। तो यूरोप में अमेरिका की तुलना में अपने लोगों के लिए अधिक कल्याणकारी सुविधाएं लागू की है, और इन्हीं में से एक कल्याणकारी योजना शिक्षा से संबंधित है। अमेरिका में बच्चों को शिक्षित करना बहुत ही महंगा पड़ता है, जिस कारण अमेरिका में अधिकतर लोग उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं, और ऐसी स्थिति हमारे भारत में भी है। भारत में भी उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है, इस कारण तो अधिकतर लोग शिक्षित नहीं हो पाते हैं। वहीं अमेरिका और भारत की तुलना में यूरोप में उच्च शिक्षा लेना बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसके अलावा यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज अपने छात्रों को बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप भी देती है, तो ये भी एक कारण है अमेरिकी युवाओं का यूरोप में पलायन करने का। इसके अलावा पांचवा कारण है अमेरिका में बढ़ती महंगाई। अब वर्तमान समय में अमेरिका में महंगाई ने अपने पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका में जीवन यापन करना दुनिया में सबसे अधिक खर्चीला पड़ता है। वहीं अमेरिका में मकान का किराया भी दुनिया में सबसे ज्यादा वसूला जाता है। इस कारण सस्ते लाइफस्टाइल और सस्ते मकानों की तलाश में भी अधिकतर अमेरिकी यूरोप की शरण ले रहे हैं। और यहाँ पर एक भारतीय फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सामान्य मकान के लिए 3 करोड़ भारतीय रुपए देना पड़ता है। वहीं यूरोप में मकान के निर्माण की लागत बहुत ही कम है, तो सस्ती कॉस्ट ऑफ लिविंग और सस्ते घरों की तलाश में भी अमेरिका के लोग यूरोप में रहना पसंद करने लगे हैं। इसके अलावा कई छोटे छोटे और भी कई कारण हैं, जैसे महामारी के बाद रिमोट वर्क कल्चर यानी वर्क फ्रॉम होम भी अमेरिकी लोगों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की वजह बना है। रिमोट वर्क कल्चर के अंतर्गत कर्मचारी किसी भी स्थान या किसी भी देश में बैठा हुआ अमेरिकी कंपनी के लिए काम कर सकता है, जिस कारण अधिकतर अमेरिकी युवा यूरोप के देशों में रहते हुए अमेरिकी कंपनी के लिए ही काम करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें सैलरी तो उतनी ही मिलती है, लेकिन यूरोप में रहने के कारण उनके बाकी खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। मकान का किराया, खाना पीना और मेडिकल खर्च यूरोप में कम होने के कारण वे ज्यादा सेविंग कर पाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर यूरोप की मुद्रा यूरो की तुलना में काफी मजबूत हो चुका है। यूरोप अपने 20 सालों के सबसे निचले स्तर पर है, और वर्तमान समय में यूरो की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू लगभग बराबर हो चुकी है। इस कारण डॉलर कमाने वाले व्यक्ति को यूरोप में रहना काफी सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि वो कम डॉलर खर्च किए हुए अधिक विलासिता की जिंदगी भी जी सकता है। इस कारण अधिकतर अमेरिकी कम खर्च में अधिक विलासिता की चाह में भी यूरोप की ओर रुख कर रहे हैं। इन सब के अलावा यूरोप के कई देश दोहरी नागरिकता के नियम को मानते हैं, यानी कोई भी अमेरिकी नागरिक यूरोप के उस देश का नागरिक भी माना जाएगा और अमेरिका का नागरिक भी माना जाएगा, उससे अमेरिकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। वहीं यूरोपियन देश यूनाइटेड किंगडम ग्लोबल टैलेंट वीजा और फ्रांस पासपोर्ट टैलेंट जैसे स्कीम चला रहे हैं, ताकि अमेरिका के टैलेंटेड कर्मचारियों को अपने देश में बुला सके, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत बन सके। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार जो लोग अमेरिका छोड़कर यूरोप जा चुके हैं, उन लोगों के अनुसार उनके अमेरिका छोड़ने का क्या कारण है, तो अमेरिका छोड़ यूरोप जा चुके 16% लोगों का मानना है कि यूरोप में अमेरिका की तुलना में कहीं गुना अधिक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। वहीं 9.9% लोग नई जॉब की तलाश में या जॉब ट्रांसफर के लिए गए हैं। वहीं 5.1% अमेरिकन युवाओं ने यूरोप की महिलाओं से शादी कर ली है, इस कारण वे यूरोप में रहने चले गए हैं। वहीं 8.3% लोग अमेरिका में बढ़ती महंगाई और यूरोप में रहन सहन के कम खर्च के लिए गए हैं। वहीं 3.2% अमेरिकी
यूरोप के कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए गया है। वहीं इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार अधिकतर लोग यूरोप को अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक रहने योग्य जगह मानते हैं। तो अमेरिकी लोगों को अमेरिका छोड़ने की यही प्रमुख वजह मानी जाती है। इन्हीं वजहों के कारण अमेरिकी लोग अमेरिका जैसे विकसित देश को छोड़कर यूरोप की तरफ पलायन कर रहा है। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।